अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ये मच्छी, जो रेहू मच्छी है, इसका हम मसालेदार सालन बनाएंगे और फ्राई भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये 1 किलो मच्छी है और इसमें हम ये मसाला ले रहे हैं, 3 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच नमक, और ये 3 प्याज ले लिए हैं छोटा साइज का, टमाटर 2 ले लिए हैं छोटा साइज का, और 1 लहसुन की पूरा की पोट ले लिए छिलके वाली। तो फ्रेंड्स, ये छिलके वाली है लहसुन, और ये हम धनिया में से पत्ती को साइड कर लिए हैं कट करके, और डंठल को हम ये पीसने में डालेंगे। ये डंठी है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये हम पीसने में डालेंगे मसाला पीसने में। और ये गोल मिर्च है, काली मिर्च, और ये जीरा है 1-1 चम्मच, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच सौंफ, और ये 1/2 चम्मच अजवाइन है और 1/2 चम्मच मेथी का दाना। तो फ्रेंड, ये सब को हम पीसेंगे जार में डाल के, और ये नींबू जो दिख रहा है, ये नींबू हम मच्छी में डालेंगे। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में आप अपना राय जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो वो बताइए, कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मच्छी में हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और फ्रेंड्स ये नमक हम डाल देंगे 1/2 चम्मच, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। जो नींबू है, नींबू भी इसमें हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स, और इसको हम मिक्स करके 1/2 घंटा के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी में से हमको फ्राई के लिए भी निकालना है, तो अभी हम फ्राई करने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अभी एक साथ में ही हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं मच्छियों में हल्दी मिर्ची नमक डाल के, नींबू डाल के, और फ्राई के टाइम पे हम मसाला जो हम पीसेंगे तो वही मसाला हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स फ्राई के लिए, वो भी आपको आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, ये 1/2 घंटा हो चुका है, मच्छी देख लीजिए इस तरह से मसाला अंदर तक जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब तेल गरम करके हम मीठा तेल हम यूज़ करते हैं, तो ये मीठा तेल हम गरम कर चुके हैं और इसे हम अब फ्राई कर रहे हैं गरम तेल में। तो इसी तरह से आप भी फ्राई कर लीजिए फ्रेंड्स, ये जो मोटा मोटा पीस है ना, इसे हम फ्राई कर रहे हैं, और जो पतला पीस रहेगा उसे हम मसालेदार फ्राई करेंगे, जो हम दाल चावल के साथ, चावल की रोटी के साथ हम खा सकते हैं। तो उस तरह से हम मसालेदार फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हम ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गैस पे रख दिए हैं, और इसमें हम मेथी का दाना, जीरा और राई का दाना 1-1 चुटकी करके सब मिक्स करके 5 फोरन बना लिए हैं, और ये गरम तेल में डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ये मसाला हम पीस लिए थे, और इसमें हम ये सारे मसाला इसमें ऐड कर देंगे, और ये जो फोरन है मेथी दाना का, हम इसमें डाल देंगे, ये सारे मसाले को उसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। तो ये इसी तरह से हम डाल देंगे मसाला को और अच्छे से भूनेंगे, और इसी में से फ्रेंड्स हम ये देख लीजिए, हम फ्राई मच्छी के लिए, फ्राई करने के लिए मच्छी को मसालेदार फ्राई करने के लिए हम इसे निकाल लेंगे 2 चम्मच, और फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से भूनेंगे, इसमें तेल आने तक अच्छे से भूनेंगे हम। ये नमक था जो कि हम इसमें डाल दिए हैं फ्रेंड्स, और जो बाकी का नमक था ये फ्राई मसाला में, फ्राई मच्छी के मसाले में हम डाल चुके हैं फ्रेंड्स। इसको इसी तरह से आप भूनिए, और मच्छी को अल्टी पल्टी करने तक, सुनहरा होने तक इसको फ्राई कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मच्छी को आपको अच्छे से धोना है, 4-5 पानी से धोना है, फिर इसमें नमक डाल के, 1 किलो मच्छी है तो 3 चम्मच नमक डाल के आप इसे अच्छे से धो लीजिए फिर से 4-5 पानी से। उसके बाद आप इसमें मसाला वगैरह ऐड करके तल लीजिए ऐसा गोल्डन फ्राई होने तक। तो फ्रेंड्स, हम धोने का आपको नहीं दिखाए हैं, हम बता दे रहे हैं। मेरा बेटा था जो कि वो वीडियो नहीं बनाया, वो नमाज़ पढ़ने चला गया था। तो फ्रेंड्स, हम जैसे तैसे करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए ये जो मोटा मोटा पीस था उसे हम ये फ्राई कर लिए हैं सालन बनाने के लिए, और ये जो पतला पीस है उसे हम ये मसाला में ऐड करके फ्राई मच्छी फ्राई बनाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से हम मसाला को भून लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी भूनिए, और ये हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी
दो गिलास डाल देंगे मसाला में और इसको एक उबाल आने तक पकने देंगे। और तो जो मसाला रखे थे फ्रेंड उसका हम मच्छी में मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये ढक के हम पकने देंगे एक उबाल आने तक, जब तक हम दूसरे चूल्हा पे हम फ्राई कर रहे हैं मच्छी को, गोल्डन फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको फ्राई करना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, गोल्डन ही फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स ये मसाला वाला मच्छी जो कि हम बताए थे वही मसाला में हम ये मसालेदार मच्छी भी फ्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये उबाला आ गया है मच्छी के सालन में, अब हम इसमें मच्छी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही टेस्टी बनी है ये मच्छी, एकदम सादा सा सिंपल सा घर का सामान से हम मच्छी बनाए हैं। इसमें कोई भी बाहर का सामान यूज़ नहीं किए हैं, कोई दही का इस्तेमाल नहीं किए हैं फ्रेंड्स, कुछ भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं। लेकिन जो हम घर में यूज़ करते हैं ना छोटा मोटा सा सामान, वही सब हम मसाला वगैरह डाल दिए थे। तो ये मच्छी बहुत ही टेस्टी बना है। इसमें धनिया का थोड़ा सा छिड़काव देंगे और ये दो हरी मिर्ची को हम कट कर दिए थे, बीच से चीरा लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे और ढक के 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये फ्राई मच्छी, मसालेदार मच्छी किस तरह से अपना बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। फ्रेंड्स देख लीजिए इस तरह से मेरा मच्छी का सालन तैयार हो चुका है और ये अब खाने के लिए तैयार है। इसको आप मच्छी को आप चावल की रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, या चावल के साथ खाइए कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, चावल की रोटी हो या गेहूँ की रोटी हो या चावल हो आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हो वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।